हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो मेरी बनी थी, आज मैं अपनी आज की वीडियो उसी चैप्टर को उस टॉपिक से आगे शुरू करूंगा। एनसीईआरटी क्लास 10 भूगोल के जो फोर्थ चैप्टर है, कृषि संसाधन, उस पे मैं बात कर रहा था। और मैंने जो लास्ट वीडियो समाप्त करी वो करी थी जो प्रमुख मौसमी फसलें हैं उनसे करी थी। तो मैंने रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल पर वीडियो समाप्त करी थी। उसमें खाद्य और अखाद्य फसलों की भी मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी खाद्य फसलें हैं, उसमें भारत की प्रमुख जो खरीफ की फसल है चावल, जो कि भारत की सबसे प्रमुख फसल है, उससे बात स्टार्ट करते हैं। और बात करेंगे जितनी भी फसलें हैं सबके लिए कितना वर्षा, तापमान और कौन सी मिट्टी तथा किस प्रकार का वहां का जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है सभी फसलों के लिए, और कौन कौन से राज्य उन फसलों के लिए भारत में प्रमुख है उस पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले खाद्य फसलों में जो हमारे पास खरीफ की प्रमुख फसल है चावल। चावल की हम बात करते हैं तो चावल भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, और यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। चावल के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, आप देख सकते हैं, इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि चावल गर्म जगहों पर उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ज्यादा, आप जितना अधिक जल होगा उतनी अधिक इसकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है वहां पर यह फसल कुदरती तौर पर बहुत अच्छी होती है, और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर जो हमारे सिंचाई के अन्य साधन हैं उनकी मदद ली जाती है और इस फसल को उगाया जाता है। इसके जो प्रमुख राज्य हैं भारत में वो है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये तीन अग्रणीय राज्य भारत में चावल की फसल के हैं, और इस तरह से ये चावल की प्रमुख फसल थी। उसके बाद जो हमारी रबी की दूसरी प्रमुख फसल है भारत की, रबी की, चावल हमारी खरीफ की हो गई, तो गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। आइए हम गेहूं की फसल के बारे में आपको बता देते हैं कि जो गेहूं है वो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसे ठंडे तापमान और 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। यानी कि रबी की फसल बोई जाने का जो हमने समय बताया वो भारत में जब शीत ऋतु का समय होता है उस समय यह फसल बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु आते आते इसकी कटाई हो जाती है। तो ये ठंडे तापमान की फसल है। इसके लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत जरूर होती है। और इसके जो प्रमुख राज्य हैं वो भी हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश आदि राज्य भी प्रमुख हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश इसके अग्रणीय तीन राज्य हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हमारे जो गेहूं चावल है उसके बाद कुछ प्रमुख मोटे अनाज होते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर ज्वार प्रमुख फसल है और बाजरा प्रमुख फसल है। तो मोटे अनाजों में ज्वार और बाजरा का प्रमुख स्थान होता है। ज्वार जो होता है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है, बहुत अधिक होती है। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जैसे कि मैंने पहले बताया, गेहूं चावल, चावल गेहूं के बाद ज्वार तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है। यह फसल वर्षा पर ही निर्भर होती है, इसके लिए भी वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। बाजरा की अगर बात करें तो यह बलुआ और काली मिट्टी पर उगाई जाती है, और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद मक्का जो अगली फसल है, मक्का की अगर बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की जरूरत होती है। मुख्य जो इसके क्षेत्र हैं भारत में वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। इस तरह से मक्का की फसल हुई। अब प्रमुख दलहनों की बात करते हैं। जो हमारी दालें होती हैं उनमें
भारत जो है विश्व में दालों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में दलहन की दालों का जो उत्पादन किया जाता है वो विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। शहरी खाने में दाल अधिक प्रोटीन देने वाली होती है। इसका मतलब हुआ कि जो शहर में लोग निवास करते हैं वो दालों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए दाल उनके खाने में जरूर शामिल होती है। यह फसलें शुष्क तापमान में भी उगाई जा सकती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना ये प्रमुख दालें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गैर अनाज फसलें। कुछ गैर अनाज फसलें हैं जैसे गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया। ये गैर अनाज फसलें हैं और इन फसलों को हम ज्यादातर जो है क्या करते हैं, इसका व्यापार करने के लिए इन फसलों को उगाया जाता है और इनसे हम धन कमाते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ये जो गैर अनाज फसलें हैं इनमें प्रमुख गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन मतलब तिल और तेल से संबंधित, चाय और कॉफी। चलिए इसमें सबसे पहले गन्ना की बात करते हैं। इसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तक का तापमान आवश्यक है, यानी कि इसके लिए बहुत अधिक तापमान की ही जरूरत होती है। ठंडे इलाकों में गन्ना नहीं उगाया जा सकता है। इसके लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र हैं गन्ना के लिए प्रमुख जो क्षेत्र हैं। तिलहन की अगर बात करें तो तिलहनों में बहुत सारी फसलें सम्मिलित होती हैं जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन और इसके अलावा अन्य बहुत सारी और फसलें होती हैं जैसे सूरजमुखी वगैरह, काफी चीजें होती हैं जिनसे हम तेल निकाल करके उन्हें हम क्या करते हैं, खाने के योग्य बनाते हैं। यह सब खाने योग्य फसलें होती हैं जो तिलहन होती है। इसका खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते हैं। इसके लिए तिलहन में जो भारत में प्रमुख हमारे राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात प्रमुख राज्य हैं तिलहन उत्पादन के लिए। इसके बाद बात करते हैं चाय की फसल। आप जैसा कि जानते हैं चाय भारत की जो फसल है वो अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी और इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। यह रोपण कृषि का ही उदाहरण है। मैंने आपको रोपण कृषि पिछली वीडियो में बता दिया था कि रोपण कृषि क्या होती है, उसको देख लीजिएगा। तो ये रोपण कृषि का ही प्रमुख एक उदाहरण है। यह पेय पदार्थों की फसल है जिसे अंग्रेज लाए थे। इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है बहुत मात्रा में, तो यानी सस्ता और कुशल श्रमिक इसके लिए चाहिए। असम भारत में प्रमुख है चाय उत्पादन के लिए राज्य। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में भी चाय की प्रमुख फसलें, जो चाय फसल होती है उसके लिए ये प्रमुख राज्य है। बात करते हैं कॉफी। कॉफी दूसरी पेय फसल है जो भारतीय कॉफी की पूरे विश्व में बहुत अधिक मांग है। इसको भी अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था और ये जो फसल है ये फसल भी एक पेय फसल है, कॉफी की फसल। असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में बड़े स्तर पर उत्पादन इसका किया जाता है कॉफी का। और इसके बाद हम बागानी जो फसलें हैं, मैंने बागानी कृषि के बारे में आपको बता दिया था, तो बागवानी की जो फसलें हैं बागों में उनमें जो फल और सब्जियां होती हैं वो प्रमुख रूप से होती हैं। बागानों में फल और सब्जियां प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। भारत इसका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। महाराष्ट्र आम, केले, करेले, जम्मू सेब के लिए मशहूर है। इसमें जो महाराष्ट्र है वहां पर आम की जो प्रमुख बागानी की जाती है। केरल में केलों की, जम्मू कश्मीर में सेब की जो बागानी की जाती है उसके लिए वो प्रमुख है। इसके बाद अखाद्य फसलों की हम बात करते हैं। ये इससे पहले सभी खाद्य फसलें थी, अब हम अखाद्य फसलों की बात करते हैं जो खाने के काम नहीं आती लेकिन हम उन फसलों को अपने खेतों में उगाते हैं। इसमें प्रमुख रबड़, रेशम, कपास और जूट प्रमुख फसलें हैं, इनको जिनको हम अपने खेतों
खेतों में उगा करके इनसे इनको हम क्या करते हैं, इनका व्यापार करते हैं। तो रबड़ की अगर बात करें, सबसे पहले इसको बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, नमी वाले स्थानों पर रबड़ उगाया जाता है। आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश चाहिए या पानी इसकी आवश्यकता को पूरी करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसे केरल तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में ही उगाया जाता है भारत में। अब बात करते हैं इसके बाद रेशम की। रेशम जो है यह एक फसल तो नहीं है, क्योंकि रेशम जो होता है वो एक कीड़ा होता है रेशम का, इसके लिए रेशम के कीड़े की जरूरत होती है, इसलिए इसे फसल की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। लेकिन इससे जो प्राप्त रेशा किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए कोकून नाम रेशम के कीड़े से कोकून प्राप्त किया जाता है, और रेशम के कीड़े का पालन जो है रेशम उत्पादन कहलाता है। यह कीड़ा मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। मलबारी पेड़ इसकी प्रमुख जो फसल मानेंगे तो मलबारी या सैतूत के पेड़ पर भी जो है, सैतूत शायद मलबारी को कहते हैं, तो मलबारी के पेड़ पर रेशम के कीड़े को हम पालते हैं और वहां पर कोकून प्राप्त करके उससे रेशा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कपास की अगर बात करें तो कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है, इसके लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है और खिली धूप की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसे काली मिट्टी पर उगाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये फसल बहुत अच्छे ढंग से उगाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जो ये खाद्य फसलें थी, इसमें जूट एक और फसल है। जूट को सुनहरा रेशा भी भारत में कहा जाता है, इस चीज पे ध्यान देंगे, क्या कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे आदि बनाने में किया जाता है। आपके घरों में जो बोरियां आप देखते हैं, चटाई देखते हैं स्कूलों में, तो वो सारे जूट के धागों से बनाई जाती है। इसकी उच्च लागत के कारण इसकी मांग बाजार में कम हो गई, क्योंकि आजकल बाजार में जो नायलोन का धागा आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत आसानी से उसको बनाया भी जा सकता है और इसके मुकाबले वो आपको कम दाम में मिल जाता है, इसलिए नायलॉन के बाजार में प्रचलित होने के कारण इसकी मांग थोड़ा कम हो गई है, तो नायलॉन की पैकिंग सामग्री सस्ती हो गई है, इसलिए जूट क्या हो गया, थोड़ा इसकी बाजार में मांग कम हो गई। अब आगे हम बात करते हैं भारत, भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अभी तक हमने भारत की जो सभी खाद्य और अखाद्य फसलें हैं उन पर हमने बात करी, अब सरकार भारत की कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य कर रही है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, पशु जो चिकित्सालय है उनकी स्थापना की जा रही है, मौसम के पूर्वानुमान का विकास किया जा रहा है, ताकि जो है इन सब का ज्ञान किसानों को प्राप्त हो और किसान जो है वो भारत में अच्छी कृषि कर सके। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ खाद्य फसलें, खाद्य सुरक्षा की हम बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा हमारे देश में खाद्यान्नों को जो जनसंख्या है उसकी तुलना में पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यान्नों की उपलब्धता है वो खाद्य सुरक्षा कहलाती है। यानी कि प्रत्येक नागरिक के हिसाब से उसको जितनी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है वो हमारे पास अगर पर्याप्त है तो उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। नागरिकों के लिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है, हमारी सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक होते हैं, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आप ये दोनों चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि बफर स्टॉक और सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है वो क्या होती है। ये खाद्य सुरक्षा के दो प्रमुख घटक हैं भारत के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक का मतलब होता है कि भारत में जो फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है उसे या तो दूसरे देशों में बेच दिया जाता है या भविष्य में
आपदा के लिए जमा किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि बफर स्टॉक क्या है, जब खाद्यान्न हमारे देश में जिस खाद्यान्न का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो जो बचा हुआ हमारा खाद्यान्न होता है उसको या तो हम क्या करते हैं विदेशों में बेच देते हैं या फिर उसके लिए हम अपने जो आपदा के समय है या ऐसे समय पर जब हमारे पास खाद्यान्न नहीं हो तब उसका प्रयोग किया जाए तो उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। यह सब कार्य फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, वो ये कार्य करता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में 2014 में बाढ़ आई जहां अनाज की कमी पड़ गई, तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहां अनाज बांटा। और सबसे ताजा उदाहरण आजकल जो COVID-19 वायरस है उसके कारण भारत में लॉकडाउन हो रखा है और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 माह से भारत में सारी चीजें इंडस्ट्रीज बंद है, तो यहां पर भी हमारे पास जो बफर स्टॉक है उसके माध्यम से हम अपने देश के नागरिकों को अनाज का वितरण कर रहे हैं और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस अनाज को प्रत्येक घर घर में पहुंचा रहा है। अब आगे इसमें है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो दूसरा घटक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत के प्रत्येक गांव शहर में राशन की दुकान होती है, आप सब जानते हैं। यहाँ कोई भी घरेलू सामग्री आप ले सकते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित भोजन की सामग्री होती है उसे हम यहाँ ले सकते हैं। बीपीएल कार्ड वालों को यह बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। अब बीपीएल का मतलब होता है ब्लो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से जो नीचे है, येलो कलर का उनका कार्ड बना होता है पीले कलर का, वो लोग उनके लिए सरकार सस्ते दाम पर इसको देती है राशन को, ताकि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए। जो व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है जिसका अनाज खरीदने का, वो भी कम रेट दे करके हमारे जो भोजन है उसको प्राप्त कर सके। तो ये है सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्वीकरण आप सब जानते हैं कि विश्व का एकीकरण, उसमें कृषि में प्रमुख जो बदलाव आए उसके लिए प्रमुख कारक हैं जैसे हरित क्रांति। जब भारत में हरित क्रांति आई तो कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा, आधुनिक तकनीक अच्छी खाद्य उर्वरकता का प्रयोग होने लगा, जिसमें फसलों में बहुत मात्रा में वृद्धि हुई और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हुई। दूसरा वैश्विक जो स्तर पर जो है कृषि क्रांति हुई श्वेत क्रांति के रूप में। श्वेत जैसे कि आप सफेद जानते हैं, दूध का कलर सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए, पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें अच्छी नस्ल की गायें आदि का हमने इसमें उत्पादन किया और इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये हमारा पूरा हो गया। और अब हम ये जो कृषि संसाधन था ये चैप्टर मैंने 2 वीडियो इसकी बनाई, 2 पार्टों में मैंने आपको ये वीडियो प्रेषित की और मैं अपने जो मेरे ग्रुप में हमने स्कूल का एक ग्रुप बनाया है उसमें जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे कॉलेज के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको मैंने जो मैं एक वीडियो बनाता हूं एक लेसन की, मैंने कहा हुआ प्रत्येक मंगलवार को आप उसकी नोटबुक बनाएंगे और मुझे ऑनलाइन चेक करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो वीडियो बनाई मैं कल दूसरी वीडियो इससे आगे बनाऊंगा, तो आज रात 10 बजे तक आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, ताकि मैं आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर सकूं और आप निश्चित रूप से ज्यादा मुझसे इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और आज केवल 10 बजे तक, क्योंकि जो कल आप क्वेश्चन पूछेंगे वो कल जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उससे संबंधित आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी वीडियो के साथ मैं कल फिर आगे जल संसाधन पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप इससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए और जल संसाधन की तैयारी करिए। धन्यवाद।